बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ भिंडी मसाला की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी टेस्टी बनके ये तैयार होती हैं। मार्केट में नई भिंडी आ चुकी है और सबकी जो है फेवरेट जो है ये वेजिटेबल्स है, इसलिए बहुत से टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी ही भिंडी मसाला तैयार करने के लिए। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हम भिंडी को फ्राई करने के लिए हम ऑयल शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसे हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। भिंडी को हमने पहले से वॉश करके अच्छे से खुश कर लिया था और उसकी कटिंग कर ली है। ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका था, हमने इसके बाद हमने इसमें भिंडी शामिल की है और थोड़ा हाई फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है। भिंडी को फ्राई करने के बाद हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट तक हम जो है इसके साथ इसको फ्राई कर लेंगे। भिंडी और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी इसी ऑयल में जो है हमने मसाला तैयार कर लेना है। सबसे पहले 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। 10 सेकंड तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे सौते कर लेना है। अच्छी तरह से सौते करने के बाद हमने इसमें 1 कप टमाटो पेस्ट शामिल कर देना है। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी हो तो आप जो है वो शामिल कर दें। इस पेस्ट को हमने पका लेना है ताकि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करना है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। जितने अच्छे से भुनाई करेंगे इतना अच्छी जो है हमारी भिंडी बनके तैयार होगी। 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। बहुत अच्छे से जो है भिंडी का मसाला तैयार हो चुका है। जितनी अच्छे से बनाई होगी इतनी ही भिंडी अच्छी बनके तैयार होगी। अब भिंडी और प्याज जो हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे जो है हमारी भिंडी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई आप भिंडी को ना किया करें, इससे जो है सारा भिंडी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। पाँच मिनट तक हमने इसे लो फ्लेम पे पका लिया है। भिंडी अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आपके चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास, और ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।